न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, पीएन घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, डीपीएस आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर। रानीगंज में नाकाम रही डकैती में शामिल डकैतों में से दो डकैत निकले दिल्ली के रहने वाले, एक डकैत उत्तर 24 परगना जिले का, कोर्ट ने भेजा 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में। ग्रुप डी की परीक्षा के दौरान धांधली के आरोप में 23 लोग गिरफ्तार, मोबाइल का उपयोग, फर्जी कागजात देने का मामला। आगामी 25 फरवरी को आसनसोल मेयर की शपथ लेंगे विधान उपाध्याय, रविंद्र भवन में होगा शपथ समारोह। रविवार की रात को रानीगंज के रामबागान इलाके में उद्योगपति सुंदर भलोटिया के घर में डकैतों ने धावा बोलकर डकैती करने का प्रयास किया था, लेकिन घर के लोगों के विरोध और मौके पर पुलिस पहुंचने के कारण ये डकैती न सिर्फ नाकाम कर दी गई, बल्कि तीन डकैतों को पुलिस गिरफ्तार करने में सफल भी हो गई। डकैती करने आए तीन डकैतों के बारे में जो पता चला है वो हैरान करने वाला है। तीन डकैतों में से दो दिल्ली के रहने वाले हैं, इनके नाम आकाश झा और मनोज कुमार है, जबकि तीसरा डकैत चंदन कुमार साहनी पश्चिम बंगाल के ही उत्तर 24 परगना जिले के इच्छापुर इलाके का बासिंदा है। दिल्ली के रहने वाले आकाश झा फिलहाल अस्पताल में भर्ती है, बताया जा रहा है कि उसे गंभीर चोटें आई हैं। पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच सोमवार को दोनों डकैतों मनोज कुमार और चंदन कुमार साहनी को आसनसोल जिला कोर्ट में पेश किया। अस्पताल में भर्ती होने के कारण आकाश झा को कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। सरकारी वकील ने दोनों डकैतों को 14 दिनों की रिमांड पर मांगा था। कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों डकैतों मनोज कुमार और चंदन कुमार साहनी को 14 दिनों की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। बहरहाल पुलिस दोनों को हिरासत में लेकर गहन पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दिल्ली और 24 परगना के इन डकैतों का रानीगंज में कौन कौन सहयोगी है, और बाकी जो दो डकैत फरार बताए जा रहे हैं वे कहां के रहने वाले हैं। गौरतलब है कि रविवार की रात 8:30 बजे डकैतों ने रानीगंज के उद्योगपति सुंदर भलोटिया के घर में धावा बोला था। वे आराम से कॉल बेल बजाकर घर में घुसे थे और हथियारों के बल पर घर के लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया था, लेकिन उद्योगपति सुंदर भलोटिया की पत्नी किचन में थी, उनको डकैत नहीं देख पाए थे। लेकिन घटना का अंदाजा लगाते हुए भलोटिया की पत्नी ने अपने पड़ोसियों को जानकारी दी कि उसके घर में डकैत घुस गए हैं। पड़ोसी ने तुरंत रानीगंज थाने को खबर दे दी। रानीगंज थाना पुलिस तत्काल मौके पर पहुंच गई, साथ ही पंजाबी मोड़ फाड़ी पुलिस और अंडाल थाना पुलिस को बुला लिया गया। पुलिस ने चारों ओर से घर को घेर लिया, लेकिन डकैत भागने के लिए गोलाबारी करने लगे। इस गोलाबारी में स्थानीय निवासी विवेक चौधरी के पैर पर गोली लगी। आखिर पुलिस ने तीन डकैतों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अंधेरे का फायदा उठाकर दो डकैतों के भागने की खबर है। घटना की खबर पाकर आसनसोल से पुलिस आयुक्त सुधीर कुमार नीलकांत घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस ने डकैतों के पास तीन देसी विदेशी रिवॉल्वर और कई राउंड कारतूस बरामद किए हैं। घटना में एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसे दुर्गापुर के मिशन अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसी अस्पताल में दिल्ली वाले डकैत आकाश झा को भी भर्ती कराया गया है। बहरहाल डकैती के प्रयास की इस घटना को लेकर रानीगंज में आक्रोश का माहौल है। एक तो खबर पे है कि जो आर्म्ड डकैती गैंग एक तो बाड़ी ते ढुके पड़े छे, बोल तार मत हमरा पुलिस के पार्टी दिए छे, हमरा बाड़ी गुले के घेरे दिए छे और उधर पकड़ के फायरिंग हुआ छे। फायरिंग के हमारे पुलिस एक जन इंजर्ड है छे, हमरा मुहूर्त है दुजन के कस्टडी ते लिए छे और एक जन घेरे रखे छे और बाकी देर जन तलाश छे। सर सिचुएशन अखन भयमुक्त हो छे, क्लियर हो छे सर? सिचुएशन अखन की हम छे, भयमुक्त हो छे सर, सिचुएशन कंट्रोल है छे, हमरा प्रत्येक बाड़ी ते। आसनसोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ग्रुप डी की परीक्षा में धांधली के मामले में पुलिस ने 23 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है। सोमवार को उन्हें आसनसोल जिला कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इनमें से कईयों को 5 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया है, जबकि कुछ को कम दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया है। गिरफ्तार लोगों में से कुछ परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन का उपयोग करते हुए पकड़े गए थे, तो कुछ के कागजात सही नहीं थे। गौरतलब है कि रविवार को आसनसोल के कई स्कूलों में आसनसोल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ग्रुप डी पोस्ट के लिए परीक्षा हुई थी, जिसमें बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। करीब 90 अभ्यर्थियों को पुलिस ने परीक्षा के नियमों के उल्लंघन और धांधली के आरोप में हिरासत में लिया था, लेकिन पूछताछ करने के बाद 23 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि बाकी को छोड़ दिया गया था। बेहतर कारीगरी और शुद्धता से भरपूर गहनों के लिए पधारें जस्ट ज्वेलरी।
हीरे सोने और चांदी के गहनों का एक्सक्लूसिव शोरूम, कम मेकिंग चार्ज पे बेहतर कलेक्शन, भरोसे का दूसरा नाम जस्ट ज्वेलरी। हीरे के गहनों का विशेष कलेक्शन, जांचे परखे प्रमाणित हीरे, 100% खरीद वापसी। जस्ट ज्वेलरी आश्रम मोड़ और बस्तिन बाजार आसनसोल। जस्ट ज्वेलरी यानी आपके सुंदर पलों का साथी। CBSE से मान्यता प्राप्त दिल्ली पब्लिक स्कूल में प्री नर्सरी से 12वीं तक नामांकन जारी। हमारे यहाँ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी और योग्य शिक्षक देते हैं छात्रों को सर्वोत्तम शिक्षा। DPS आसनसोल प्रदान करता है हजारों पुस्तकों से संपन्न लाइब्रेरी, आधुनिक उपकरणों वाला लैब, स्मार्ट कक्षाएं, स्कूल में विशाल हवादार परिसर, खेल कूद का उत्तम प्रबंध, ट्रांसपोर्ट तथा अन्य सुविधाएं, मेधावी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की सुविधा। DPS आसनसोल एथोरा NH2 आसनसोल बाईपास। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी सूट, स्टाइलिस्ट कुर्ता का कलेक्शन, युक्तियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन। आसनसोल ही नहीं दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड आसनसोल। आनंदम एजुकेशन सेंटर लेकर आया है सुनहरा मौका। मान्यता प्राप्त बोर्ड से एक चांस में पास करें माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा। आनंदम एजुकेशन सेंटर पेश करता है उपयोगी कोर्स स्पोकन इंग्लिश एंड GDPI, एडवांस स्पोकन इंग्लिश, किड्स कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग, एंकरिंग, न्यूज रीडिंग। कॉन्टेक्ट आनंदम एजुकेशन सेंटर, भूला भवन, वेस्ट अपकार गार्डन, नियर कलकत्ता स्वीट्स, आसनसोल 4। अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से युक्त मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट। आप यहां पाएंगे वर्ल्ड क्लास और अति उन्नत चिकित्सा उपकरण और सेवाएं, 24/7 इमरजेंसी, लेटेस्ट मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर और आधुनिकतम उपकरण युक्त ICU, HDU, NICU, डायलिसिस यूनिट, वार्ड, केबिन्स, आपके बेहतर उपचार के लिए 24/7 फार्मेसी के साथ। इसके अलावा सिटी स्कैन, USG, एक्सरे, इको, रक्त जांच और अन्य सभी तरह की नवीनतम पैथोलॉजी एंड इमेजिंग सुविधाएं भी उपलब्ध है। ये सारी स्वास्थ्य सेवाएं उचित दरों पर आपके शहर आसनसोल में केवल मिडवेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड, भगत सिंह मोड़, आसनसोल में उपलब्ध है। घर की जो रौनक बढ़ाए, सुंदर टिकाऊ भी आए, काम में है दम, दाम भी है कम, वर्ल्ड ऑफ इंपोर्टेड फर्नीचर, वेलकम्स मॉडर्न फर्नीचर। मॉडर्न फर्नीचर, मॉडर्न लोगों की मॉडर्न पसंद, मॉडर्न फर्नीचर। सागवान और इंपोर्टेड इटालियन फर्नीचर का एक्सक्लूसिव शोरूम समीरन राय रोड गोधुली गुरुद्वारा के पास आसनसोल। आसनसोल नगर निगम के मेयर मनोनीत किए गए विधान उपाध्याय आगामी 25 फरवरी शुक्रवार को शपथ लेंगे। राज्य के नगर विकास विभाग ने इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी है। मेयर के साथ ही दोनों डिप्टी मेयर अभिजीत घटक और वसीमुल हक तथा चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी भी शपथ लेंगे। पश्चिम बर्धवान के जिलाधिकारी एस अरुण प्रसाद शुक्रवार को मेयर और बाकी पदाधिकारियों को शपथ दिलाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि 25 तारीख के पहले 7 MIC और 10 बोरो चेयरमैन के नामों की घोषणा कर दी जाएगी। ये पदाधिकारी भी उसी दिन शपथ लेंगे। इसके साथ ही सभी पार्षदों को भी शपथ दिलाई जाएगी। शपथ कार्यक्रम BNR मोड़ स्थित रविंद्र भवन में होगा। गौरतलब है कि तृणमूल कांग्रेस नेतृत्व ने गत 18 फरवरी की शाम को सबको चौंकाते हुए आसनसोल नगर निगम के मेयर के लिए बाराबनी के विधायक विधान उपाध्याय के नाम पर मुहर लगाई थी, जबकि मेयर के दावेदार में उनका नाम कहीं भी शामिल नहीं था। उन्होंने नगर निगम का चुनाव भी नहीं लड़ा था। नगर निगम चुनाव के पहले और 14 फरवरी को रिजल्ट आने के बाद मेयर के प्रमुख दावेदारों में अभिजीत घटक, अमरनाथ चटर्जी, तपन बनर्जी और डॉक्टर अमिताभ बसु को माना जा रहा था, लेकिन अभिजीत घटक को MIC से प्रमोट कर डिप्टी मेयर बनाया गया, जबकि अमरनाथ चटर्जी को पिछले बोर्ड का पद यानी चेयरमैन का पोस्ट सौंपा गया। बहरहाल आसनसोल नगर निगम में नए मेयर और बाकी पदाधिकारियों के स्वागत की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। मेयर के कक्ष को नए रूप से सजाया जा रहा है। वहीं पहले एक ही डिप्टी मेयर होते थे, अब दो हो गए हैं, तो डिप्टी मेयर के लिए एक अतिरिक्त कक्ष की व्यवस्था की जा रही है। बाकी पदाधिकारियों के कक्षों को भी नया रूप दिया जा रहा है।
सोमवार की सुबह को दुर्गापुर सहित शिल्पांचल के विभिन्न इलाके में विभिन्न संस्थाओं द्वारा मातृभाषा दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित की गई। इसी के तहत सोमवार की सुबह दुर्गापुर अनुमंडल सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा आयोजित सूचना एवं सांस्कृतिक विभाग की पहल पर अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस सम्मान के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में दुर्गापुर के मेयर आनंदिता मुखर्जी, नगर निगम के चेयरमैन मृगेंद्र पाल, अध्यक्ष ब्रताती मैत्रा, उप मेयर अमिताभ बैनर्जी, परिषद के सदस्य और पदाधिकारी उपस्थित थे। दीपांकर लाहा और अन्य अतिथि, पत्रकार मित्र और अधिकारी इस अवसर पर उपस्थित थे। समारोह में भाषाई शहीदों के साथ साथ राज्य के दिवंगत कैबिनेट मंत्री साधन पांडे की आत्मा की शांति के लिए गहरा सम्मान व्यक्त किया और एक मिनट का मौन रखा गया। इसके अलावा दुर्गापुर शिल्पांचल में बस्ती कल्याण समिति की ओर से अंतरजाति भाषा दिवस पालन की गई। सोमवार की सुबह से ही छोटे छोटे बच्चों को लेकर अंकन प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसके अलावा भी कोरोना योद्धा को सम्मानित किया गया, साथ ही इलाके के ही वरिष्ठ नागरिकों को भी सम्मानित किया गया। आसनसोल में सुधा हेल्थ केयर लेकर आया है एक ही छत के नीचे चिकित्सा के विभिन्न आयाम। डॉक्टर रॉयस सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस डायबिटीज स्पेशलिटीज क्लिनिक, डॉक्टर रॉयस पैथोलैब एंड डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रॉयस फार्मेसी। यहां आप पाएंगे इंडोस्कोपी, क्लोनोस्कोपी एंड इकोकार्डियोग्राफी समेत चिकित्सा के समस्त जांच, साथ ही पाएंगे विशेषज्ञ चिकित्सक के परामर्श। जल्द पधारे हमारे सेंटरों में, SB गोराई रोड नियर एक्सिस बैंक एंड BNR मोड आसनसोल सेंटर। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेन सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ, तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल एक मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल, यहाँ मिलेगी आपको उन्नत चिकित्सा सेवा, अनुभवी डॉक्टर, दोस्ताना माहौल और सटीक शुल्क। हमारे यहाँ डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध है। गुरु गोपीराम में उपलब्ध है 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, दूसरों से एक अलग अस्पताल। गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, विश्वकर्मा नगर, सीतारामपुर, कुल्टी। यार एक बात पूछूं? हाँ बोलो, इसमें पूछने वाली क्या बात है? तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है, बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। डिजाइन तो बहुत अट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है, ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के क्वालिटी दार और टिकाऊ। तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना, वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में, साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल और पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में जॉनसन बाथरूम का एकमात्र एक्सक्लूसिव शोरूम सुधा उद्योग। हमारे यहाँ आप पाएंगे जॉनसन बाथरूम्स के आधुनिक और स्टाइलिश बाथरूम फिटिंग कलेक्शन, सैनिटरी वेयर, फॉसेट, किचन सिंक, बाथ कैबिनेट, शॉवर्स, वॉश बेसिन और अन्य जरूरी चीजें। अगर आप बना रहे हैं नया घर या फिर कर रहे हैं रेनोवेट, तो फिर देर किस बात की, चले आए सुधा उद्योग। सुधा उद्योग अपोजिट गोराई वंसर नियर पोस्ट ऑफिस, SP गोराई रोड, आसनसोल। आसनसोल के हृदय स्थल आपका गार्डन सेंड्रेली रोड पर अतिथियों की सेवा को तैयार, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, एक उत्तम होटल जहां आप पाएंगे लग्जरी रूम, बेहतरीन फर्निशिंग और आकर्षक सजावट। शादी विवाह पार्टी के लिए 3 शानदार बैंकेट हॉल, कार्यक्रम के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल, मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट और उत्तम सेवा की गारंटी। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, जो आपके और आपके अतिथियों के पलों को बनाए यादगार। आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकेट्स, सनरेली रोड, अपकर गार्डन, आसनसोल। कॉन्टेक्ट 8436000010।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षी लोक कल्याणकारी योजना द्वारे सरकार का कैंप बर्नपुर के थाना मैदान में सोमवार को लगाया गया। इस कैंप के जरिए लक्की भंडार, स्वास्थ्य साथी समेत अन्य योजनाओं के लिए आवेदन स्वीकार किए गए। इस कैंप में आकर कई वार्डो के लोगों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाया। कैंप के योजना काउंटरों पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखी गई। जानकारी के मुताबिक अगला कैंप अब 7 मार्च को लगाया जाएगा। द्वारे सरकार के इस कैंप के संबंध में वार्ड नंबर 98 से नवनिर्वाचित पार्षद कहकसा रियाज ने बताया। देखिए, इसमें ममता बनर्जी के सारे स्कीमों को यहाँ पर लाया गया है द्वारे सरकार कैंप के थ्रू, ताकि आम जनता तक ये सब पहुँच सके और जनता को इसका लाभ मिले। जनता को इसका लाभ मिल रहा है, पहले भी ये द्वारे सरकार कैंप हुआ है, इसका लाभ मिला है, अभी भी हो रहा है तो इससे मिलेगा। किस तरह का काम, कितने लोगों को क्या क्या काम हो रहा है इसमें? देखिए, इसमें मेनली फोकस लक्ष्मी भंडार, हेल्थ कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक खाता का जो लिंक करना है वो है आपका, ओल्ड एज और सीनियर सिटीजन का है, माने जो एससी एसटी से बिलोंग करते हैं उनका है, विधवा है, विडो वाला, एससी एसटी से जो बिलोंग करते हैं। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, फर्नीचर वर्ल्ड, चेस ज्वेलरी, मिड वेस्ट हॉस्पिटल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूट, सुधा उद्योग, पीएन घाटी, आस्था रेसिडेंसी एंड बैंकर्स, गुरु गोपीराम हॉस्पिटल, डीपीएस आसनसोल, सुधा हेल्थ केयर।